हम लोगों के सामने कल्याण करने के तीन साधन मुख्य हैं, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है और एक भक्ति योग है। ज्ञान योग के अंदर सच्चिदानंद रूपाय, कर्म योग के अंतर्गत विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और भक्ति योग के अंतर्गत तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक बार ऐसे ही महाराज श्री के सामने कोई ज्ञान की चर्चा हो रही थी, भक्ति की भी चर्चा हो रही थी, तो किसी ने पूछ लिया कि महाराज आप भक्ति के अंदर कहते हैं भगवान की कृपा है, क्या ज्ञान योग में और कर्म योग में भगवान की कृपा को ढूंढना चाहें? तो महाराज जी ने कहा ऐसा कोई साधन नहीं है कल्याण करने का कि जिसमें भगवान की कृपा ना हो। ज्ञान योग में भी भगवान की कृपा है कि महाराज वहाँ तो न तो कोई स्वरूप का ध्यान होता है भगवत स्वरूप का, वहाँ तो आत्म स्वरूप का ध्यान होता है, निराकार स्वरूप का ध्यान होता है, उसमें कृपा क्या काम करती है? तो महाराज जी ने बताया कि ज्ञान योग से मोक्ष होता है। ये जो ज्ञान योग के साधन में शक्ति आई है ये किससे आई है? ये तो भगवान से आई है। तो भगवान की शक्ति से जो काम होता है, कृपा शक्ति बोल दो, शक्ति बोल दो, बात एक ही है। कोई भी साधन भगवान के बिना, भगवान की कृपा शक्ति के बिना उद्धार नहीं करता। तो ज्ञान योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमारा कल्याण करते हैं, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, वे सत चित और आनंद स्वरूप हैं और सच्चिदानंद तत्व का ज्ञान तुलसीदास जी महाराज ने कहा है निर्गुण रूप सुलभ अति। ज्ञान करना हो तो निर्गुण का ज्ञान बहुत सुगमता से होता है, परंतु सगुण का ज्ञान नहीं कर सकते। सगुण में तो प्रेम कर सकते हैं, वो प्रेम का भंडार है। सगुण में भक्त और भगवान ये दो होते हैं, दो होने में ही एक के लिए एक प्रेमी होता है, एक के लिए एक प्रेमी होता है। वह भगवान और भक्त दोनों अलग अलग होंगे तो भक्त भगवान से मिलने के लिए विरहातुर होगा और भगवान भक्त से मिलने के लिए विरहातुर होंगे, तब वह आपस में प्रेम बढ़ता है। इसीलिए भगवान का ये रास लीला का स्वरूप है, जहाँ भगवान स्वयं अलौकिक शरीर वाले हैं तो भगवान ने अपने ही शरीर से राधिका जी को प्रकट किया है, भगवान ने अपने आप से ही गोपियों को प्रकट किया है। भगवान जैसे गुणातीत हैं, त्रिगुणात्मक देह से भगवान ऊपर उठे हुए हैं, मगर भगवान का शरीर त्रिगुणात्मक है ही नहीं, उनका शरीर दिव्य है तो गोपियों का शरीर भी दिव्य है, इसलिए उनका प्रेम भी दिव्य है। हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि भगवान में प्रेम ज्यादा है या गोपियों में प्रेम ज्यादा है, क्योंकि वहाँ भगवान स्वयं ही गोपियाँ बनती हैं, भगवान स्वयं ही प्रेमी बनते हैं और गोपियाँ भी भगवान की प्रेयसियाँ बनती हैं। उसमें जो आपस में आकर्षण है वो दिव्य आकर्षण, बहुत विलक्षण आकर्षण है। ये भक्ति योग की महिमा है, ज्ञान में एक तत्व रहता है। काकभूषुंड जी ने उत्तर देते हुए कहा है गरुड़ जी को, उन्होंने पूछा कि क्या ज्ञान में और भक्ति में अंतर है क्या? कि ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा, दोनों ही संसार से विरक्त करने वाले साधन है, परंतु उसमें ज्ञान योग है वो हमको माया के अंदर इतना मन हमारा फंसा हुआ है उसको निकालने में थोड़ा ज्ञान योग में कठिन साधन है, भक्ति में सुगमता रहती है, क्योंकि भक्ति और माया दोनों स्त्रियां हैं,
मोहिन नारी नारी के रूप। कोई स्त्री किसी पुरुष पर मोहित हो सकती है, पुरुष स्त्री पर मोहित हो सकता है, परंतु स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान वैराग्य विज्ञान ये सब पुरुष वर्ग में है और माया है ये स्त्री वर्ग में है, परंतु भक्ति और माया ये दोनों स्त्री वर्ग में है, दोनों में आपस में आकर्षण नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान योग की अपेक्षा भक्ति योग को सुगम बताया है। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।